डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज डेट 6th of September 2020 और क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस, इसका पार्ट पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं। और आज यूनिट हमारा जो है पॉलिटिकल साइंस का, ये है डेमोक्रेटिक राइट्स। और आज का हमारा टॉपिक है सिटीजन्स राइट्स एंड सऊदी अरबिया। तो कल हमने पढ़ा था एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो आज हम पढ़ेंगे कि सऊदी अरब जो है वहाँ की राइट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। द केस ऑफ गंटेनमो बे लुक्स लाइक एन एक्सेप्शन फॉर इट इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री denying rights to citizen of another country. Let us therefore look at the case of Saudi Arabia and the position of the citizens with regard to their government. Consider these facts. Saudi Arabia. Saudi Arabia is a country which is ruled by the hereditary king, and the people have no role in electing or changing their rules. The king selects the legislature as well as the executive. तो सऊदी अरबिया जो है एक मुल्क है, वहाँ की जो हुकूमत है वहाँ हेरिडिटरी किंग होता है, यानी बादशाह होता है वहाँ पे। वो बादशाह जो होता है, वो बादशाह जिस तरह हम कहते हैं कि हेरिडिटरी हो गया खानदानी, अगर बाप मार गया तो उसका बेटा बादशाह, वो मर गया तो उसका बेटा बादशाह, तो वहाँ पे किंग सिस्टम है, बादशाह है। तो किंग सिस्टम में क्या होता है, हेरिडिटरी किंग सिस्टम में, कि वहाँ लोगों को कोई भी ऐसे अख्तियार नहीं होते हैं कि वो इलेक्ट करें, इलेक्शन करें, चुनाव करें, अपनी मर्जी का हुक्मरान चुनें। एक दूसरा, वहाँ के जो पावर्स जो होते हैं लेजिस्लेचर के, वो सब पावर्स किसके पास होते हैं, बादशाह किंग के पास होते हैं। और एग्जीक्यूटिव के जो पावर होते हैं वो किसके पास हैं, किंग के पास है। ही अपॉइंट्स द जजेस एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजन। तो हेरिडिटरी किंगशिप में क्या होता है कि वहाँ जो भी पावर्स होते हैं, जैसे जुडिशरी में जजेस को अपॉइंटमेंट की जाती है, वो जजेस की अपॉइंटमेंट जो होती है वो सब किंग खुद ही करता है बगैर किसी से डिसीजन लेने। सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। उस मुल्क के अंदर जहाँ किंगशिप होती है, जहाँ बादशाह होता है, हेरिडिटरी किंग होता है, वहाँ किसी भी जमात को, किसी भी सियासी, किसी भी ऐसे ग्रुप को सियासी पार्टी बनाने की कोई इजाज़त नहीं होती है। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट मिनोरक डज नॉट लाइक। और वहाँ उस मुल्क में जो मीडिया होता है वो ऐसी कोई भी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता है बगैर किंग के परमिशन के। जो न्यूज़ अगर उनके अगेंस्ट होगी तो उसको वो कास्ट नहीं कर सकते हैं। देर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, every citizen is required to be Muslim. सऊदी अरबिया बुनियादी तौर से ही एक मुसलमान देश है, एक मुसलमान मुल्क है, वहाँ किसी दूसरे मज़हब की इजाज़त उस मुल्क में नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन जो है हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी प्रेफर जो थे, उनकी ज़मीन है। नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट। कोई भी अपनी मर्ज़ी से, अपने ज़ाती इख्तियार या इंटरेस्ट से कोई दूसरा मज़हब अख्तियार नहीं कर सकता है, बट नॉट इन पब्लिक। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस। औरतें जो हैं उनको दीन के हिसाब से, इस्लामी निज़ाम के हिसाब से उनकी ज़िंदगी बसर करने की उनको इजाज़त है। जैसे वहाँ पर्दा सिस्टम है, वो किसी भी इतनी बड़ी गैदरिंग में
उनको इजाज़त नहीं होती है जाने की, या कुछ ऐसे बाकी जो सिस्टम है उनमें उनके ऊपर पाबंदी होती है, जैसे कि इस्लाम में इजाज़त है। दिस इज़ ट्रू नॉट जस्ट ऑफ सऊदी अरबिया, देर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर सेवरल ऑफ दीज कंडीशन एग्जिस्ट। सिर्फ सऊदी अरबिया ही ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ हरिडेरी किंग है, ऐसे और भी ममालिक हैं दुनिया के अंदर जहाँ ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं वहाँ क्या है इस किस्म की बादशाही सिस्टम होता है। तो बादशाही सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ वो डेमोक्रेसी नहीं होती है, एक बेसिक राइट्स जो हैं वो राइट्स नहीं होते हैं, यानी हर किसी को बस फ्रीली स्पीच करने का राइट्स होगा, उसको अपनी मर्जी से घूमने फिरने का राइट्स होगा, ये ह्यूमन राइट्स में ये चीज़ें आती हैं, ऐसे और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं, तो वैसी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती। तो बेटा आज का टॉपिक किसी के साथ कंप्लीट हो गया, कल हम पढ़ेंगे इथनिक मसाकर एंड सोवा। थैंक यू वेरी मच।